हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके टोटल मार्क्स है 70 और ये 3 घंटे तक चलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है इसके 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी और डी। ए सेक्शन जो है वो वन वर्ड आंसर इसमें करने हैं आपने अटेम्प्ट, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो वन वर्ड आंसर में आपको इसका उत्तर देना होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आया है। इन विच डेट एंड ईयर प्लूटो वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट। ठीक है, कौन से वर्ष में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित किया गया? तो ग्रहों से निष्कासित किया गया था प्लूटो को, डेट है अगस्त 24 और साल है 2006। इससे पहले प्लूटो को ग्रह मानते थे, लेकिन उसके बाद प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। हाँ जी, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। थर्ड क्वेश्चन है, भूप्लेटों के गति में होने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? हाँ जी, पृथ्वी के गति में होने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? किस क्यों पृथ्वी के में जो गति होती है, तो पृथ्वी के गति में होने के लिए सबसे जरूरी जो बल है वो होता है हमारा मेंटल, जो हमारी पर्थ है ना, मेंटल जो पर्थ है हमारी। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक है ना, क्रस्ट सबसे ऊपर वाली परत है, ठीक है, उसके नीचे वाली जो परत, इसका नाम है मेंटल, उसके अंदर है कोर, ठीक है, क्रोड जिसको हम बोलते हैं। तो मेंटल में स्थित संवहनी धाराओं के कारण क्या होती है, पृथ्वी के जो प्लेटें हैं उसके अंदर जो है वो गति जो है वो पैदा होती है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि ग्रह के आंतरिक भाग के भीतर जो रेडियोधर्मी पदार्थों की गर्मी प्लेटों के स्थानांतरित होने का कारण बनती है, और प्लेटों में गति जो है वो मेंटल परत के अंदर स्थित संवहनीय धाराओं के कारण होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, कि वायुमंडल में कौन सी दो गैसों की आयतन के अनुसार प्रधानता है? तो बहुत सिंपल है, एक है पहली गैस है नाइट्रोजन, जिसका आपके बारे में आपको पता है, जिसकी सबसे ज्यादा अधिक प्रधानता है वो है 78.04%, और दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है एग्जैक्ट है 20.947%। ठीक है, तो ये दो गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं वायुमंडल के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। चलिए था फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सी चट्टाने हैं, वो चट्टाने हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जिसको हम बोलते हैं अगन्य चट्टाने, जिनका निर्माण जो है वो किसके कारण होता है, लावा के फटने के कारण, और लावा के जब फैल जाता है और ठंडा हो जाता है तो उस कारण से अगन्य चट्टानों का निर्माण होता है। इसी कारण से इन्हें आग से बनी हुई चट्टाने भी बोलते हैं। आग से बनी हुई क्यों बोलते हैं, क्योंकि लावा जो होता है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, दो विभिन्न गुणों वाली वायु राशियों के मिलाप से कौन से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है? हाँ जी, तो कौन से चक्रवातों की होती है, उन चक्रवातों को बोलते हैं हम टेम्परेट। ठीक है जी, टेम्परेट साइक्लोन्स, और हिंदी में बोलेंगे शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनका मिलाप जो है दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने के कारण होता है। ठीक है, उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलनीनो। एलनीनो अंतर धरातली धारा है जो गर्म पानी ग्रीष्म काल के दौरान हिंद महासागर मिलाते हैं तथा मानसून को प्रभावित करते हैं, का संबंध किस महासागर से है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलनीनो करंट जो है वो गर्म धारा है और जिसके कारण हमारी भारत की मानसून भी प्रभावित होती है। तो कौन सा, किसके साथ उसका संबंध है, उनका संबंध है जो सबसे बड़ा महासागर है जिसका नाम है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ इसका क्या है संबंध है और वहां से ये चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव टाइड्स। हाँ जी, दो ज्वार भाटों के बीच में कितना अंतर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बहुत डिटेल में करवाया है आपको ये टॉपिक। तो कितना अंतर होता है, 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो आपने लिखना है दो ज्वार भाटों के बीच में 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो ये है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 9, धरातल का गहराई की ओर कटाव अपरदन की कौन सी अवस्था से संबंधित है? जब नदियां जो है धरातल का गहराई की ओर कटाव करती हैं इस प्रकार से, तो वो कौन सी अवस्था में होता है? तो नदी की तीन अवस्थाएं हैं, यंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं युवा अवस्था, दूसरी होती है मैच्योर स्टेज प्रौढ़ावस्था, और तीसरी होती है ओल्ड स्टेज। तो जब नदी जो है वो ओल्ड सॉरी युवा अवस्था में होती है, यंग स्टेज में होती है, युवा अवस्था में होती है, तब नदी जो है वो पर्वतों से निकलती है और उसकी गति तेज होती है और वो गहराई की ओर जो है वो कटाव जो है वो अधिक करती है। वो मुख्य रूप से आई शेप की वैलीज बनाती है, ठीक है, गॉर्जेस बनाती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा युवा अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, गरजता 40, रोयरिंग 40, फ्यूरियस 50 एंड शिरकिंग 60 आर एसोसिएटेड विद विच विंड्स? तो आपने जब विंड्स वाला चैप्टर किया था उसमें ये है इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर हैं अलग अलग प्रकार के हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर चलती हैं कौन सी विंड्स, इस जगह में चलती हैं हमारी वेस्टर्ली विंड्स। कौन सी विंड्स चलती हैं? वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं, ठीक है ना। ट्रेड विंड्स तो ऐसे चलती हैं, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ, और इसके बाद यहाँ से चलती हैं वेस्टर्ली विंड्स जिनको हम बोलते हैं पछुआ पवने, ठीक है। तो पछुआ पवने जब हमारे यहाँ पे 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पहुंचती हैं, ठीक है, सर्दन यहाँ पर अक्षांशों के बीच में पहुंचती है, और 50 डिग्री पर पहुंचती हैं और 60 डिग्री पर पहुंचती हैं, तो इन्हें बोलते हैं, इस नामों से इन्हें पुकारा जाता है, रोयरिंग 40 मतलब 40 में जा रही है, फ्यूरियस 15 मतलब 50 डिग्री अक्षांशों में है, शिरकिंग 60 तो मतलब 60 डिग्री अक्षांशों में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं, इस कारण से इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड्स होती हैं ये, और ये तबाही मचाती हैं जिस कारण से इन्हें इन नामों से पुकारते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफली ये जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ही पुकारे जाती हैं ये नाम, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर धरातल जो है वो कम है, जिस कारण से ये बहुत ज्यादा तेज गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है, तो इस कारण से इन्हें इन नामों से पुकारते हैं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट सेकंड। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्योग्राफी एंड व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी? वेरी इजी क्वेश्चन। भूगोल किसे कहते हैं? हाँ जी, भूगोल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का जो क्या है डिस्क्रिप्शन, पृथ्वी का डिटेल में वर्णन जो है वो भूगोल कहलाता है, या भूगोल पृथ्वी की विभिन्न विभिन्नताओं का अध्ययन है, ठीक है, विभिन्नताओं का अध्ययन है जो मानव जाति का घर है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही इन्होंने पूछा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की, तो मुख्य ब्रांचेस जो हैं जिनको बांटा गया है वो मुख्य रूप से है 3 ब्रांचेस, ठीक है जी। एक है फिजिकल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं भौतिक भूगोल, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, और अब तीसरा है ज्योग्राफिक, तीसरा है ज्योग्राफिक टेक्निक्स, ज्योग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसकी ब्रांच है जैसे कि सॉइल ज्योग्राफी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, इस प्रकार की जो भूगोल के साथ क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, बायोजोग्राफी है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांचेज हैं जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है ना, ये सब ब्रांचेज किसकी हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है। थर्ड है ज्योग्राफिक टेक्निक्स। तो ज्योग्राफिक टेक्निक्स में क्या क्या आती हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं सिलेबस में आपके GIS है, रिमोट सेंसिंग है, कार्टोग्राफी है, ठीक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, जो टेक्निक्स बताती हैं उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टेक्निक्स वाली ब्रांच, ठीक है। तो ये GIS, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, ठीक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी, ये सब इसकी ब्रांचेज हैं। तो ये सारी की सारी ब्रांचेज आ गई, आपने सिर्फ नाम ही लिखने हैं क्योंकि 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस? हाँ जी, मुख्य भू प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं जो हैं वो क्या हैं? तो मूलभूत मान्यताएं प्लेट विवर्तनी की क्या हैं? तो प्लेट विवर्तनी की मतलब प्लेटों का आपस में टकराना क्या कहलाता है, प्लेट विवर्तनी की। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया है कि हमारे सागर तल का जो है वो विस्तार हो रहा है, ठीक है, प्लेट विवर्तनी की मुख्य रूप से बताया गया है कि सी फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसके सिद्धांतों में बोला गया है, ठीक है। और दूसरा बताया गया है इसके सिद्धांतों में, अजम्पशंस ऐसा माना गया है कि पृथ्वी का
स्थिर धरातलीय क्षेत्र है, ठीक है ना, पृथ्वी का जो धरातल का क्षेत्र है, पृथ्वी का स्थिर धरातलीय क्षेत्र है, ठीक है, धरातलीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा नवीन भूपटल का निर्माण, ठीक है, तीसरा क्या आ गया, नवीन भूपटल का निर्माण जो है वो इसकी मूलभूत मान्यताएं हैं। तो ये तीन मान्यताएं होगी, एक होगी सागर तल का विस्तार, पृथ्वी का स्थिर धरातलीय क्षेत्र, और तीसरा आ गया नवीन भूपटल का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंपोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर। हाँ जी, एटमोस्फेयर जो है वो किस प्रकार से कैसे मिलकर के बना है, कंपोजिशन किन किन चीजों से हुई है एटमोस्फेयर की। तो एटमोस्फेयर की कंपोजिशन में मुख्य रूप से किन किन का रोल है, एटमोस्फेयर की कंपोजिशन में मुख्य रूप से है साथ साथ में गैसेज हैं, ठीक है, वाटर वेपर हैं, जलवाष्प हैं, ठीक है, वाटर वेपर आ गए, जलवाष्प हैं, धूल कण हैं, ठीक है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स जिसे बोलते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो तीन नंबर का क्वेश्चन है, तो ये तीन आपने पॉइंट लिख लेने हैं, ये तीनों नंबर वन आ गया, गैसेज, अलग अलग गैसें कौन सी पाई जाती हैं, जलवाष्प और डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो ये आ गया पृथ्वी के कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अलावा गैसों से मिलकर के बनाया, जो आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन कितनी विद्यमान है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी विद्यमान है, हाइड्रोजन, हीलियम, जो अलग अलग गैसें हैं वो इसमें पाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उच्च और निम्न ज्वार में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, ज्वार भाटे से निकल करके आया है ये क्वेश्चन कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं और उच्च और निम्न ज्वार में। तो ज्वार भाटा पानी का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण दो बार ऊपर उठना और नीचे जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। तो समुद्र जल के ऊपर की ओर उठने को, जब वो ऊपर को उठता है तो उसे हम बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है, और जब वो नीचे उतरता है समुद्र का जल, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लो टाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में अंतर है, ठीक है, हाई टाइड और लो टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, अब ये डिटेल क्वेश्चंस आगे 12-12 मार्क्स की, जिसमें सबसे पहले पूछा गया है फर्स्ट चैप्टर से ही कि जेन्स और जेफरीज की ज्वारीय संकल्पना का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जेम्स जीन्स ने कब दी थी अपनी परिकल्पना, वो दी थी उसने 1919 में, और जेफरीज ने दी थी 1929 में, ठीक है। तो इनकी परिकल्पना की आलोचना क्यों की गई थी, इनकी परिकल्पना की आलोचना इसलिए की गई थी क्योंकि इन्होंने जो बातें रखी थी कि सौर परिवार जो है उसमें एक अन्य इंट्रूडिंग स्टार आया, सूर्य के अतिरिक्त आया, और वो तारा फिर घूमता हुआ आगे बढ़ गया, ठीक है, इस प्रकार की इन्होंने संकल्पना दी थी। तो उसकी आलोचना इस प्रकार से की गई कि जो ये बातें हैं कि सूर्य में ज्वार का उत्पन्न होना और उसके अंदर के उष्ण पदार्थ का बाहर निकलना, ये तभी संभव हो सकता है जब तापमान कई लाख डिग्री तक रहा हो, किंतु ऐसी दशाओं में पदार्थों और ग्रहों की आकृति का घनीभूत होने की अपेक्षा आकाश में वो जो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, और पृथ्वी के तारों के बीच में इतनी अधिक दूरियां हैं तो एक दूसरे के निकट आने की संभावना और टकराने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। कि जैसे इन्होंने बताया कि सूर्य तापमान बढ़ा और सूर्य से एक ज्वार निकला और एक और इंट्रूडिंग स्टार हुआ, वो घूमते गए और वो आपस वो फैल गया, ठीक है, ज्वार का रूप ले लिया उसने इस प्रकार से। तो इसी कारण से जो हमारे ग्रह हैं वो ज्वारीय आकृति के हैं, तो क्योंकि इनमें आपस में दूरियां इतनी ज्यादा अधिक हैं तो ये होना हो पाना बहुत ज्यादा असंभव है, ठीक है। इस प्रकार की आपने आलोचनात्मक चीजें इसकी में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रॉक्स एंड डिफरेंट द मेन सब टाइप्स ऑफ रॉक्स। हाँ जी, चट्टाने क्या है, चट्टाने पृथ्वी के ऊपर जो वो पोर्शन पृथ्वी का, वो क्रस्ट पोर्शन जो बहुत ज्यादा क्या है, जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, जो सख्त है, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला वो पोर्शन जो बहुत ज्यादा सख्त है, जो आसानी से टूट नहीं सकता, उसे हम रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो खनिजों से बनी हुई होती है चट्टाने, ठीक है ना। तो खनिज युक्त भूपृष्ठ पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ठोस पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, चट्टाने कहलाता है। और चट्टानों के मुख्य जो प्रकार है उनमें सबसे पहले आपको पता है जैसे कि अगण्य, तीन प्रकार की चट्टाने, एक आ गया अगण्य आ गया, एक आ गया अवसादी आ गया, और तीसरी आ गई कायांतरित, ठीक है, कायांतरित चट्टाने जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक
रॉक्स, ठीक है। इनको इनके आगे उपभाग जो है उनके बारे में हमें लिखना है कि जैसे जो इग्नेस रॉक्स हैं वो कौन कौन सी इग्नेस प्रकार की चट्टाने होती हैं। एक होती है मध्यवर्ती इग्नेस, अंतर्वेदी अग्नेय चट्टाने, लैकोलिथ, स्टॉक्स, लोपोलिथ, है ना, इस प्रकार की जो अंतर्वेदी जो चट्टाने हैं, ठीक है ना, प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स, ठीक है, उनके बारे में लिखना है। सेडिमेंटरी रॉक्स में भी अलग अलग प्रकार की सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, जैसे कि कुछ जल से निर्मित होती हैं, कुछ नदियों द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है ना, उनके नाम लिखने, जैसे कि सैंडस्टोन, कौन सैंडस्टोन, क्ले, शैल, लाइमस्टोन, चौक, डोलोमाइट, ठीक है, ये आगे सेडिमेंटरी रॉक्स की चट्टाने हैं, ठीक है। कायंत्री चट्टानों के भी बहुत सारे प्रकार हैं और बहुत सारी चट्टाने हैं, कायंत्री चट्टाने, जैसे कि संगमरमर है, शिष्ट है, स्लेट है, क्वार्ट्जाइट है, एंथ्रासाइट है, ठीक है, ये सारी किसकी चट्टाने हैं, उप चट्टाने हैं कायंत्री चट्टानों की, तो इनके बारे में आपने लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन सी, वेदरिंग से, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपक्षय किसे बोलते हैं? चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट जाना, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट जाना जो है वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, ठीक है। इसमें तीन प्रकार के अपक्षय होते हैं, फिजिकल और केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, ये टाइप्स हैं। इन्होंने बताया कि फिजिकल के अलग अलग प्रकार बताइए कि फिजिकली चट्टाने जो है वो किस प्रकार से, कौन कौन से टाइप से टूटती हैं, तो टाइप्स क्या हैं उनके टूटने के, तो जैसे कि टेम्परेचर के कारण होता है, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, चट्टाने टूट जाती हैं, ठीक है, और इसके अलावा खनिजों के कारण चट्टाने टूट जाती हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, फिर दाब मुक्ति के कारण चट्टाने टूट जाती हैं, ग्रेविटी के कारण चट्टाने जो है वो टूट जाती हैं, तो वो अलग अलग इसके टाइप्स आ गए, ठीक है। केमिकल में आ गए जैसे कि ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है, सॉल्यूशन है, डिसिलिकेशन है, ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं किसके, केमिकल वेदरिंग के, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इनके टाइप्स लिखने, बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेबोरेट इन डिटेल द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू द रीसेंट व्यूज, ठीक है, नवीनतम मतों के अनुसार पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से हुई है, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ किस प्रकार से हो, उसके बारे में आपने चित्र बना करके इसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जो क्रस्ट है, जैसे कि इसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, उसके बाद मेंटल है ना, कितना कितना उनका घनत्व है, उसके बारे में हमने डिटेल में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेयर, इजी क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, जैसे कि कौन कौन सी लेयर्स जो है वो पाई जाती हैं, सबसे ऊपर हमारे आगे कौन सी है, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, इस प्रकार की कौन, है ना, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर आगे उसके ऊपर हमारी आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है, फिर एंड में आगे एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है, तो इसके बारे में आपने डायग्राम बनाना है और इनके अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, ठीक है, कौन कौन सी स्फीयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टेम्परेट साइक्लोन्स इन रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन एंड मूवमेंट्स, ठीक है, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात चलते हैं उनके बारे में बताना है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न वायुदाब के तूफान होते हैं जिनका आकार मुख्य रूप से वी होता है ना, निम्न वायुदाब के तूफान होते हैं और निम्न वायुदाब के क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होने के कारण इनको और किन नामों से जानते हैं, इनको गर्त भी बोलते हैं, डिप्रेशन भी बोलते हैं और ट्रफ भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में डिटेल में इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही टाइड से आया, तीन चार टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी राइट ए डिटेल नोट ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ टाइड्स, कि टाइड्स किस प्रकार से आते हैं और उनके बारे में अलग अलग टिप्पणी करनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आया है हमारा हाइड्रोस्फीयर से, कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मैंने बहुत बार बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत सिंपल है, जल चक्र जिसे हम बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच, ये मेरी अपनी इसकी डेफिनेशन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, द प्रोसेस इन विच रेन वाटर, जो वर्षा का जल है ना, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वर्षा रेन वाटर गेट रिसाइकिल्ड, process in which rain water get recycled by the process of evaporation condensation
evaporation, condensation and precipitation. Precipitation is called as hydrological cycle. मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा वर्षा का जल जो है वो दोबारा से रिसाइकल होता है, दोबारा से उसका रिसाइकल किया जाता है इवेपोरेशन के द्वारा, कंडेंसेशन के द्वारा और प्रेसिपिटेशन के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं. ठीक है, तो ये है जल चक्र के बारे में. तो ये थे आपका क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सभी से ध्यान से देख लें और इन क्वेश्चन पे जरूर काम करें, इनको जरूर पढ़ लें. ठीक है, ये जरूर एग्जाम में आएंगे हैं. ठीक है, तो गुड लक फॉर द एग्जाम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी. टिल देन गुड बाय.